नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को डिस्कस करेंगे। इस स्टॉक में हमने क्या कहा कि मेरे व्यूज स्ट्रांग हैं और इसके स्ट्रांग व्यूज मेरे 1464 के प्राइस से था और यहाँ पोटेंशियली जो है 1740 प्लस तक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिख सकता है। तो इसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करेंगे। 6 मंथ के ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, 1 ईयर के ट्रेंड अभी भी कंसोलिडेट है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे कंसोलिडेट ब्रेकआउट होते दिख रहा है ये काफी सराहनीय है और ये ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू आउट परफॉर्म करते दिख सकता है। खबर के लिए देखें तो कुछ बड़ी खबर तो नहीं देखी, अपडेट्स में देखेंगे तो सभी कॉमन ही है। इस शॉप वाला ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, कुछ बड़े फीड नहीं दिख रहे हैं, सभी कॉमन फीड दिख रहा है। एक सिंगापुर में कंपनी सेटअप को लेकर के तो मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ ही था। रिसेंट देखेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ मंथली हाई के आसपास के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और सबसे पहले जिस प्रकार से इस स्टॉक के वीकली ब्रेकआउट दिखे हैं, यहाँ देखेंगे ये वीकली ब्रेकआउट दिखा है, अब पोटेंशियली 1647, 1678 और 708 ये 3 शॉर्ट टर्म के टारगेट जो है इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किया जा सकता है विद एसएल बिलो 1580 या फिर 1578 के नीचे के एसएल को फॉलो करके, ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। और रियल ब्रेकआउट 1700 के ऊपर होगा क्योंकि यहाँ मल्टीपल कंसोलिडेट मल्टीपल ब्रेकडाउन हुआ था, ये कंसोलिडेशन है तो एक बार 1720 के ऊपर का ब्रेकआउट करती है फिर जो हमारा टारगेट होगा वो एक मीडियम टर्म होल्डर के लिए होगा, जो मीडियम टर्म में होल्ड करेंगे उनको फिर पोटेंशियली जो है 2000 से 2200 तक का टारगेट दिखेगा इस 1720 के ऊपर के वीकली क्लोजिंग पे। शॉर्ट टर्म के ट्रेंड भी स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी मैं दिखाऊं तो यहाँ देखेंगे एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, स्टॉक ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा, कंसोलिडेट करा, इस हाई को तोड़ा और ये फर्दर मूवमेंट के लिए तैयार होते दिखे।